हाय फ्रेंड्स, मैं नीलम स्टिचिंग एंड ब्यूटीशियन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, जैसे स्कूली वर्दी लड़कियों का जैसे चुन्नी सेट किया जाता है प्लेट बना के, आज उस वो बनाने का तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ओके दोस्तों, देखिए ये हमने अभी 15 इंच का हमने ये कपड़ा काट लिया है। देखिए, और हम इसकी देखिए ये स्टिचिंग, ये 15 इंच की लंबाई है, हमने ऐसे काट लिया है कपड़ा। ये देखिए 15 इंच की ये लंबाई है और चौड़ाई हमारी ये 10 थी, तो 20 का हमने काटा हुआ है और डबल करके, और देखिए हम इस ऐसे हमने ये देखिए ये हमने डबल करके ऐसे इसकी स्टिचिंग कर देना है। देखिए स्टिचिंग करके फिर हम इसको ऐसे करके सीधी कर देंगे। देखिए ऐसे सीधी कर देंगे। अब हमने इसको सीधी कर दिया और इसको ऐसे घुमा के, ये जो है हम ऐसे ये जो सिलाई है हम इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे थोड़ा हाथों से। ऐसे करने के बाद फिर हम ये प्लेट जो है ऐसे घुमा लेंगे। फिर देखिए हम ऐसे कर लिए, अब हम ये ऐसे इसकी प्लेट ऐसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम ये प्लेट इसकी बिठाएंगे। जैसे ये प्लेट हमने ऐसे कपड़ा उठाया, ये कपड़ा हम छोड़ देंगे, इसको नहीं पकड़ना है। देखिए इसको नहीं पकड़ना है, हम ये जो है कपड़ा है इसको पकड़ना है, और प्लेट हम इस तरह देखिए एक प्लेट ऐसे करके बिठाएंगे। दूसरी प्लेट देखिए दोस्तों, हम इस तरह ये प्लेट ऐसे आएगी। चार प्लेटें हमें इसी तरह इसी अकॉर्डिंग हमें ऐसे बिठानी है। ऐसे ही हम ये चौथी भी प्लेट, तीसरी प्लेट हम हो गई, और चौथी भी प्लेट हम देखो इसी तरह करके चार प्लेटें हम इस तरह देखिए दोस्तों, ये हमने ये प्लेट इस तरह बैठा लिया। अब दूसरी तरफ भी प्लेट का मुंह ऐसे आना चाहिए। देखिए पहला प्लेट हम इसी तरह सेट करेंगे इसी के सीध पे। पहला प्लेट, फिर दूसरा प्लेट हम इसी तरह इसी के सीध पे इसकी सीध ऐसे ही बिठाएंगे। ऐसे करके हमारी ये दूसरी प्लेट है। देखिए दोस्तों, और तीसरी प्लेट भी हम इसी के सीध ऐसे करते हुए तीसरी प्लेट भी हम ऐसे ही बैठा लें। तीसरी भी प्लेट ऐसे उठा लेंगे।
प्लेट भी हम इसी के हिसाब से हम ये बैठा लेंगे। कपड़े को ऐसे सेट करना पड़ता है तभी ये प्लेट बन पाती है। प्लेट हमारी चौथी प्लेट भी हम ऐसे ही मार लिए, ठीक है। देखिए ऐसे करके हमारी ये हो गई और दूसरे भी हमारे इस तरह हो गए। देखिए अब इस पे हम मिक्सिंग करेंगे, प्रेस से प्लेट मारेंगे। देखिए दोस्तों अब हम इसको ऐसे रख के इसे ऐसे देखिए ये प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी प्लेटें जो है बैठ जाए, स्टिचिंग करने में हमारी ये प्लेटें ऐसे आ जाए। ओके दोस्तों देखिए ऐसे करके ये पूरा हमने इसे सेट कर लिया। अब हम सूट पे इसे सेट करेंगे। ओके देखिए दोस्तों अब हमने ये चुन्नी ऐसे हमने सेट कर लिया है। देखिए ये जैसे देखिए ये हमने ये गला बना लिया हुआ है और ये हमारा कंधा है। देखिए हमने ऐसे नाप के 14 इंच पे देखिए यहाँ से ये हमने 14 इंच नाप के ये हमने ऐसे ये दोनों पल्लों को स्टिच कर लिया है, स्टिच कर लिया है। देखिए सेंटर के हिसाब से पूरे बराबर से रखना है, ये ना कि इधर उधर चला जाए हमारा, यहाँ किसी से ये पूरा सेंटर आना है। जितना कपड़ा इधर छूटे 6.5 उतनी उधर छूटे, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हमने ऐसे इसको स्टिच कर लिया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। दोनों पल्लों को हम ऐसे रख दिए हैं और हम इसकी इसी तरह सिलाई करेंगे। देखिए इसी तरह इसको हम इसको डबल कर लेंगे सिलाई। अगर हमें वापस सिलाई करनी हो तो हम इसको नीचे कर देंगे। देखिए ऐसे हम उसको डबल कर लिए हैं। अब देखिए अब हम इस धागे को ऐसे करके कट कर देंगे। अब जो हमने इसकी सिलाई की अब देखिए दोनों हमारे पल्ले ऐसे आ जाएंगे। देखिए एक तो हम इसके साथ ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए चुन्नी हमारे देखो कितनी बढ़िया से ये स्टेच हो गए, देखिए सेट बैठ गई है। और दूसरी तरफ भी हम देखिए ये हमारा ऐसे देखिए
देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया से ये सेट बैठ गया है। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया से ये सेट हो गया है। अब हम इसको इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए देखिए दोस्तों बिल्कुल सेट बैठ गया है। ओके दोस्तों, देखिए आप लोगों को ये तरीका समझ आ गया होगा। सूट स्कूल वर्दी का ये चुन्नी सेट करने का तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए देखिए बिल्कुल फिनिशिंग है। देखिए देखिए ओके दोस्तों, आप लोगों को चुन्नी स्कूली ड्रेस का सेट करना समझ आ गया होगा दोस्तों। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों कोई बात अगर वो होनी हो, पूछनी हो, कमेंट करना और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।